गला काट लेंगे हम कपड़े का। इसको मार्किंग कर लेंगे हल्का हल्का। इस तरह इतना तो सिलाई में चला जाएगा हमारा। हमको जितनी पट्टी देने का अभी, यानी कि 1 इंच देना है या 1.25 इंच देना है या 1.5 इंच देना है, अभी इसके अंदर हम रखेंगे 1 इंच 1 पॉइंट की पट्टी रखेंगे इसके खाली। ऐसा हल्के से मार्किंग कर लेंगे इसको, यानी कि लेवल बराबर आए इस पर। यह फिजिंग कैनवास, इसको हम कपड़े के ऊपर चिपका देंगे इस तरह। बैक का भी फिजिंग काट लेंगे हम। उतना ही चौड़ा पट्टा इसमें भी काटेंगे सीधे से। इसको ब्लैक कपड़े पे अटैच करेंगे और जो फ्रंट का है जो प्रिंट कपड़े पे अटैच करेंगे प्रेस मार के पहले। ये हुआ फिजिंग के चिपका के, ये फ्रंट का गला और ये बैक का गला। पहला हम फ्रंट तैयार करेंगे, इसको हल्का सा काट लेंगे मार्जिन, यहाँ भी काटेंगे। इसका कपड़ा काट लेंगे इधर, इसको हम रफ सिलाई मारेंगे इस पर, यानी कि सिलाई मारने के बाद भी खोल सकते हैं हम कच्चा सिलाई। बाकी का मार्जिन कपड़ा काट देंगे। बीच का कपड़ा भी काट लेंगे। ये हुआ इस तरह फ्रंट पे आ जाएगा हमारे। फ्रंट ले लेंगे, पहला फ्रंट का गला बना लेंगे।
एक दब सिलाई मारेंगे इसके ऊपर। हल्का सा थोड़ा सेंटर पे चटका लगा देंगे, एक यहाँ पर एक दो चटका लगा देंगे, यहाँ पर भी दो। इसके ऊपर एक किनारी से ले लगाएंगे। यहाँ पर एक किनारी सिलाई लगा देंगे। ये हुआ हमारा फ्रंट तैयार। इसके बाद बैक तैयार करेंगे। फ्रंट तैयार हो गया, अभी बैक तैयार करेंगे। सबसे पहला गला बना लेंगे। बाकी मार्जिन काट देंगे पूरा। ये वो गला रेडी, इसको साइड में कर देंगे। अभी अभी जिप के लिए कपड़ा निकाल लेंगे पहले। तो जिप के लिए चौड़ाई ले लेंगे इतना।
एक तरफ तो किनारी है, दूसरी तरफ हम ऐसे ही मोड़ देंगे कच्चा, यानी कि धागा ना निकले इसके लिए। इसको दो हिस्से पे करके मार के नाखून से इसको मार्किंग निकाल दिए इस तरह सेंटर। अभी पट्टी ज्वाइंट कर देंगे इस पे इस तरह। हल्के से एक धाप लेंगे खाली सिलाई के लिए। अभी इसको सेंटर से काट देंगे हम इस तरह नीचे तक, ये वो काट के इसके ऊपर किनारी से सिलाई लगा देंगे। इसको कच्चा सिलाई मार देंगे, यानी कि कच्चा सिलाई इसके लिए चैन लगाएंगे तो आगे पीछे ना हो हमको, बाद में खोल देंगे सिलाई चैन लगाने के बाद। ये हुआ, इसको बराबर करके बाकी का जो ये बड़ा हुआ है कपड़ा उसको काट लेंगे बराबर इस तरह। अब इसके बाद गला बना देंगे इसका। अभी इस सेट का गला बनाएंगे हम, यानी कि बराबर रख के।
इसको हल्का सा चक्का लगा देंगे, इस पे भी, और इसके ऊपर एक सिलाई मार देंगे किनारी सिलाई। अब इसके बाद में जिप लगाएंगे। अब जिप के लिए पहला सिलाई हल्के से ले लेंगे, इधर आगे तक थोड़ा आ जाएंगे, नीचे नीचे की तरफ। आराम से बनाएंगे, थोड़ा थोड़ा खींचने से चैन टाइट हो जाता है, टाइट होने की वजह से खड़ा हो जाएगा इसे। फिर ये हिस्से को वापस उल्टा चेन लगा देंगे इधर इस तरह। ये हिस्सा पकड़ लेंगे हम ऐसा इस तरह। ये हुआ हमारा जिप। अब जो हमने कच्चे सिलाई मारे थे वो तो खोल देंगे, अभी इस तरह निकाल देंगे इसको। ये हुआ जिप, बैक गला जिप। इधर एक हुक लगा देंगे इस तरफ में, ये अटैच हो जाएगा। अभी शोल्डर ज्वाइंट करेंगे।